हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन टेक। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो Xiaomi.u का नया अपडेट, पिछला अपडेट आया था 9.1.24, उसी का फ्रेंड्स मैं आपको रिव्यू दूंगा क्या क्या चेंजेस हुए थे उस अपडेट्स में। फ्रेंड्स जी, फ्रेंड्स मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन टेक। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स, और मेन मोटिव है वीडियो को शेयर करो और वीडियो को फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अब फ्रेंड्स, जो चेंजेस हुए मैं आपको बता देता हूँ और जो बग्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बग ज़्यादा नहीं, चेंजेस बहुत, वो मैं आपको मेन बताऊँगा। तो एक बार मैं आपको फ्रेंड्स वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये Xiaomi का चेंज लॉग है Xiaomi.u का 9.1.24 का। तो फ्रेंड्स, जो पहला चेंज लॉग ये हुआ है Xiaomi.u का, जो एड्स आती थी सिस्टम में वो आपको पता होगा, ये पिछला थोड़ा मसला हुआ था Xiaomi का, जो एड्स बड़ी आती थी सिस्टम, जैसे आपने कीबोर्ड खोला तो पता नहीं एक ऐप की ऐड आ रखी थी, उसकी ऐड आ रखी थी, तो ऐड का बड़ा मसला था। और MIUI का 10.3 बेटा बेस है, जो मैंने आपको बताया था कि पहले स्टेबल था तो हमने फिर उसको बेटा कर दिया। जो हमारे डेवलपर है, देव डेवलपर है, सैफ है उसका नाम, उन्होंने ये बिल्ड तैयार करा है। हमने पैचेस तैयार करे थे फ्रेंड्स फिक्स करने के लिए, उन्होंने बिल्ड तैयार करा है, तो उन्होंने अब ये बेटा कर दिया था जो 5X का पोर्ट हुआ था। और दूसरा नया थीम आया, आप देख सकते हो, जब मैंने आपको कहा था कि उन्होंने ये पोर्ट कराया ये, और टेलाइन है ये उसका निक नेम है, तो ये नया थीम पोर्ट कराया उन्होंने जो Xiaomi। और आपको 2019 जनवरी का सिक्योरिटी पैच मिला है, वो आपको पता होगा, ये रहा 5/1/2019 का आपको सिक्योरिटी पैच मिला है। और थोड़ा ब्लूटवेयर हटाया गया है इस मेले अपडेट में। थोड़ा इपिक में ब्लूटवेयर होता था, आपके बैंकिंग के ऐप्स में चलते थे, मेरे दोस्त हैं कोई कहते थे भाई फ़ोन पे नहीं चल रहा है, गूगल पे तेज़ नहीं चल रहा है, तो कुछ करो। हमने कहा भाई करेंगे, वो पोकर ओपर के ऊपर उसके पास बिल्ड है, तो व्हाट्सएप सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, फेसबुक बढ़ाई गई है, तो ब्लूटवेयर है जो थोड़ा वायरस टाइप का होता है वो हमने थोड़ा इस अपडेट में कम कर दिया गया है। तो फेसबुक में भी ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी आपको, और जो आपके ऑटोमेटिक टास्क है पीछे जो बैकग्राउंड में चलते हैं रैम मैनेजमेंट में, थोड़ा उसको भी आपको मतलब सिक्योरिटी मिलेगी, थोड़ा आपको इफिशेंसी होगी आपके फ़ोन में। और जो MIUI की एक प्रॉब्लम होती थी कि अपने आप ही जो कॉन्टैक्ट्स थे वो, जैसे एक कॉन्टैक्ट जैसे मेरा अखिल के नाम से है किसी में सेव हो रखा है, तो दूसरा भी अखिल के नाम से सेव होता है, डुप्लीकेट जैसे कहते हैं, वो अपने आप सेव हो जाते थे डुप्लीकेट दो बारी, तो वो भी हमने इसमें फिक्स कर दिया गया। और क्लीन कैचे भी कर दिया ऑप्शन, MI वीडियो में आप कर सकते हो, वो आप ऑप्शन जाओगे MI वीडियो को, यहाँ पे है ये रहा MI, इसमें आप कर सकते हो क्लीन कैचे का, कैचे का भी उसमें ऑप्शन दिया गया है। और नया कैलेंडर इसमें थोड़े हमने करे, क्योंकि जो बेटा में कैलेंडर पे आपको पता नहीं चलता कि आज, जैसे आज 15 अगस्त है तो नीचे क्या है 15 अगस्त को क्या है, तो इंडिपेंडेंस डे है, तो उसमें पता नहीं चलता था, तो अब इसमें हमने ये भी फंक्शन कर दिया 15, क्योंकि कोई जब मैं बेटा में था मेरे पास रेडमी 4 था फ़ोन, तो उसमें जब मैंने कैलेंडर बार खोला मैंने सोचा यार आज तो 15 अगस्त है, लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ नीचे नहीं आ रहा कि आज इंडिया में क्या सेलिब्रेट करा जाते हैं, तो अब इसमें हमने फिक्स कर दिया गया। आपको मैं कैलेंडर एक बार दिखा देता हूँ, एक मिनट फ्रेंड्स। सो ये आपका कैलेंडर है, ये थोड़ा फिक्सेस हुए हैं, और एक मिनट। तो कैलेंडर में आपका आपका थोड़ा, हाँ, जो मेन मुझे कोई बता रहा था, कोई कह रहा था कि भाई फिंगरप्रिंट की स्पीड कैसी है, तो आप खुद चेक कर सकते हो, पूरा ऑप्टिमाइज़ दिया है। फेस अनलॉक का जो इपिक में इतना नहीं था हमने इसमें दिया है Xiaomi.u की बिल्ड में, और फिंगरप्रिंट की भी थोड़ी इफिशेंसी अच्छी रखी है, थोड़ी स्पीड बढ़िया रखी है। और सबसे मेन जो सबको पता है, बैटरी परफॉर्मेंस, क्योंकि एक साल हो चुका है मेरे Mi 11 को भी, जिसने लिया होगा पिछले उसका भी एक साल हो गया होगा, तो बैटरी 3080 mAh की है, तो ज़्यादा आपको ऑप्टिमाइज़ नहीं करती, लेकिन अगर आपकी रोम ऑप्टिमाइज़ होए तो आपकी बैटरी ज़्यादा इफिशेंसी बढ़िया रहती है, मतलब रैम क्या बोलते हैं बैटरी बैकअप बढ़िया रहता है, तो उसमें हमने थोड़ी इम्प्रूव करी है, इम्प्रूव कराया उसको थोड़ा। और एडिड सर्टिफिकेशन अबाउट सेक्शन सेटिंग्स, मेरे को एक बंदा था टेलीग्राम पे कह रहा भाई योर डिवाइस सर्टिफाई नहीं है, तो भाई हमने ये भी हमने इसमें कर दिया, सर्टिफिकेशन दे दिया, तो उसमें जब टेलीग्राम नीचे गूगल प्ले खोलोगे, गूगल प्ले स्टोर खोलोगे, उसमें सेटिंग में जाओगे तो सेटिंग के सेक्शन में आपको लिखता है डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड, तो हमने वो भी कर दिया एडिड सर्टिफाइजेशन इन डिवाइस सेक्शन, तो ये भी हमने सेट कर दिया, सर्टिफिकेशन आपकी मैंने कर दिया है, क्योंकि मुझे हमको कोई कह रहा था कि भाई बूट लोडर अनलॉक वजह से नहीं होता, तो ये थोड़ी रैम की दिक्कत होती है, रैम मतलब रोम की दिक्कत होती है, कौन सी आपके फ़ोन पे रोम रन हो रही है, तो उस पर फ्रेंड से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और अपना दूसरी बात है कि सर्टिफिकेशन दे दी हमने इसमें, एडिड सिस्टम साउंड्स भी आप कर सकते हो, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर आप बेटा में नहीं था तो वो भी आप स्क्रीन अपनी रिकॉर्ड कर सकते हो, या तो क्योंकि पहले आपको कोई ऐप डाउनलोड करना पड़ता था तो उधर से आपको फिर कोई भी स्क्रीन करनी पड़ती थी, और दूसरी बात यह कि मतलब रिकॉर्ड करना पड़ता था। अब चार्जिंग जब आपका फ़ोन प्लग में लगता है तो उसके बाद साउंड नहीं आती थी, तो वो भी हमने थोड़ी अब सेट कर दी है, थोड़ी क्लियर साउंड है, अच्छी मतलब अच्छी लगती है, तो
एडिड अनम्यूट साउंड भी हमने सेटिंग कर दिया, तो बग्स बहुत कम है, फीचर ज़्यादा आपको मिले हैं। और एडिड स्क्रीनशॉट साउंड भी, जैसे आप स्क्रीनशॉट लेते थे तो आपको साउंड, ये सब पहले चीज़ें थी लेकिन थोड़ी इसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया ताकि बग आपको नहीं आए। और एडिड म्यूट म्यूज़िक स्ट्रीम भी आप इसमें कर सकते हो, साउंड एंड वाइब्रेशन बहुत। तो आप जब आप सेटिंग करोगे म्यूज़िक वाले ऐप में जाओगे सेटिंग करोगे तो वहाँ पर आप देख सकते हो सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। और दूसरा बग था कि आपके लाइव वॉलपेपर्स नहीं चल रहे थे पिछले वाले अपडेट में, तो वो भी अब इसमें चल रहे हैं, वो हमारे सैफ भाई ने इसको फिक्स कर दिया इस बिल्ड को। और ऐड राउंडेड कॉर्नर्स डिस्प्ले के यहाँ के थे जो, मतलब जहाँ 5x के, वो हमने देखो पूरी बिल्कुल आप डिस्प्ले सही से देखो तो कोई भी आपको हल्का नहीं लग रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट है जो इसके डायमेंशन है वो बिल्कुल पूरा बढ़िया है। तो अब डायमेंशन इसका बढ़िया है। और एडेड एमरजेंसी SOS भी हमने इसमें फंक्शन दे दिया है, क्योंकि ये भी अभी नया नया फंक्शन है, आप देख सकते हो ये रहा, ये इसमें पहले बग था पिछले वाले में चल नहीं रहा था, ओपन नहीं हो रहा था, इसको हम टैप कर रहे हैं ओपन नहीं हो रहा था, तो आप देख सकते हो इस पर हम टैप कर रहे थे, ये देखो एग्री करके ये आपका खुल जाएगा, तो इसको भी बंद ही रहने दो, तो ये हम कर सकते हैं, इस पर आप टैप करते तो ये नहीं खुलता था, वो बग था एक, वो भी अब हमारे सैफ भाई ने इसको फिक्स कर दिया, बिल्ड जो हमने पैचेस तैयार करे हैं उसमें हमने फिक्स कर दिया है। अब दूसरा एक और मैं आपको बताता हूँ, ऑडियो हेडफोन्स जो बिल्कुल नहीं चल रहे थे इस वाले, आप किसी ने मुझे कहा था कि भाई ये अपना नहीं चल रहा है, कहा गया हेडफोन्स एंड ऑडियो इफेक्ट्स, ये जब भी आप हेडफोन लगाओगे तो आपको चल जाएगा, क्योंकि जब मैं हेडफोन लगाता था पहले PO सब चेक करने के लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं आता था, ये ऐसे का ऐसे ही रहता था। तो अब इसमें बग्स हमने फिक्स कर दिया है, इसमें हमने जो Xiaomi.u का मतलब EPK का APK था वो हमने सेटिंग में जाके फर्मवेयर में इसको सेट कर दिया था। और एडिड थर्ड पार्टी थीम भी अब सपोर्ट इसमें है, क्योंकि पहले जैसे EPK में भी आया था थर्ड पार्टी सपोर्ट थीम्स नहीं थे, एरर आता था आपको इंस्टॉल करने में कि ये आपका डिवाइस सपोर्ट नहीं कर सकता इस थीम को वगैरह वगैरह, ये आप समझ गए होंगे। और अब आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स ऑप्शन आ चुके हैं थीम में, ना कि फ़ोन में, तो थीम में, क्योंकि अपडेटर अभी नहीं है, उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं, उस पर प्रोजेक्ट है अगला कि अब हमने OTA अपडेट्स से अपडेट लेके आने हैं, क्योंकि मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि OTA अपडेट्स लेके आओ जिप से कोई फ़ायदा नहीं, हमारा डेटा उड़ता है वो उड़ता है, तो भैया वो भी प्रोजेक्ट उस पर चल रहा है सैफ में और जो है टेलाई उस पर अब काम कर रहे हैं, वो हमने कल ही बात करी है इसकी। तो अब आपको थीम में भी ऑटोमेटिक अपडेट्स मिलेंगे जब जब आपका क्या बोलते हैं OTA अपडेट आपको मिलेंगे उसके हिसाब से, तो इसमें भी आपको अपडेट मिल जाएंगे। और एडिट होम स्क्रीन बैकअप पासवर्ड भी अब उसमें आपको अवेलेबल है। और डेवलपर ऑप्शन में है सारे एडिट फॉर एक्टिविटीज़, ये प्रीवियस वर्जन में आपको बताया था, ये आपको EPK में आया था, हाँ EPK में इसमें नहीं आया था, तो ये भी आपको ऑप्शन मिलता है। आप ऐप्स भी एडिट मोर एडिट मूव एप्स टू SD कार्ड भी आप कर सकते हो, डेवलपर ऑप्शन के ऑप्शन है। और बस फ्रेंड्स अब नीचे बग्स आने वाले हैं। और दूसरी बात है कि इनएक्टिव ऐप्स जो भी आपके चल रहे हैं उसको आप बैकग्राउंड में बंद कर सकते हो, जो भी आपके काम के नहीं है ऐप्स, ये डेवलपर ऑप्शन बहुत जरूरी, क्योंकि इससे रैम मैनेजमेंट पे इफेक्ट पड़ता है और आपका फ़ोन हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। 4GB रैम है, हैंग नहीं होगा लेकिन तब भी इंप्रूवमेंट ज़्यादा बड़ी नहीं आती, परफॉर्मेंस इतना देता नहीं है फ़ोन। और एडिट स्ट्रिक्ट मोड भी इसमें दे रखा है, तो सारे है। और अब इसमें क्या करा है फ्रेंड्स, हमने 60 FPS का भी हटा दिया है, वो क्यों, क्योंकि आपका पोर्ट्रेट मोड नहीं चल रहा था और कैमरे पर लैग आ रहा था, इसलिए हमने हटा दिया। और अपडेटर ऐप भी हटा दिया आप देख सकते हो, वो हम अभी आगे देखेंगे उसको लाने के लिए, ये ओपन नहीं हो रहा है, ये देख सकते हो ये हमने हटा दिया, क्योंकि ये जो बेटा के थे ऑफिशियल 5x के, इसको अपडेट्स मिलते थे, अगर वो इंस्टॉल करोगे तो आपका M1 आपको पता क्या है ब्रेक हो जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और रिमूव ड्यूल बीप नोटिफिकेशन भी हमने कर दिया, जब नोटिफिकेशन आती थी तो थोड़ी वॉइस होती थी, वो हमने हटा दी, उसकी जगह हमने दूसरी लगा दी है। और फिक्स पावर बटन एंड्स ऑन एक्सेसिबिलिटी में हमने सेटिंग्स करी है। और फिक्स द लैग इन फुल स्क्रीन गेस्चर्स जब आपके होते थे तो वो भी अब थोड़ा लैग आता था, धीरे धीरे चलता था फ़ोन, वो भी हमने हटा दिया है। और ब्राइटनेस भी थोड़ा हमने इसकी फिक्स करी है, स्लाइडर बग था ये, थोड़ी ब्राइटनेस होती थी प्रॉब्लम, उसकी भी हमने फिक्स कर दी। और दूसरी मेन कि आपकी हार्डवेयर की इसकी लाइट्स नहीं ऑन होती, मतलब चलती थी, वो भी बग था, वो भी हमने फिक्स कर दिया है। और पोर्ट्रेट मोड जो सब कह रहे थे भाई पोर्ट्रेट मोड कब चलेगा, कुछ के बिना M1 का कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी हमने फिक्स कर दिया है, वो बहुत मुश्किल से फिक्स हुआ है क्योंकि अभी तक EPK में वो फिक्स नहीं हुआ है, जिप फाइल आप फ्लैश करते हो तो वो तब भी नहीं होता है, तो वो हम इसमें हमने फिक्स कर दिया। और एक साउंड बग भी था इसमें, वो आपको शायद आपको नोटिस नहीं करा होगा आपने, वो एक साउंड बग था उसमें कैमरे में था। और फिंगरप्रिंट शटर भी चल रहा है कैमरे का, तो आप चेक कर सकते हो, और नहीं फिंगरप्रिंट शटर नहीं चल रहा है, मैंने ध्यान से देखा नहीं चल रहा है। और आपका एक बग ये ऑफिशियल ही है, ये जो आप FM रेडियो को देख रहे हो, ये जो Xiaomi.u का जो ओरिजिनल बेस है ना, उधर से उनकी सर्वर प्रॉब्लम है, जब भी आपका ये Xiaomi.u का जो FM रेडियो, ये इसमें साउंड नहीं आ रही है, ये EPK में भी थी, इसमें भी है और Xiaomi.u के बिल्ड में भी है, तो इसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी। PIP एक ऑफिशियल बग है, ये भी उधर से है, ये आपके फ़ोन में। और फिंगरप्रिंट शटर में, सॉरी मैंने बोल दिया, मैं ध्यान में नहीं था, वो भी अभी तक नहीं चल रहा है, वो EPK में भी नहीं चल रहा है, तो क्या पता हम उसको आगे ढूंढे, हमने ये OTA अपडेट्स का करना है और इसका करना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैंने आपको सारे बग्स और सारे बग्स के 3 बग्स बताए और सारे आपको मैंने फीचर्स बताए हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना वीडियो को मत भूलना, मेन जो मोटिव है सब्सक्राइब का है, और फ्रेंड्स लाइक भी कर देना वीडियो को। तो फ्रेंड्स ठीक है, बाय, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक,
और वीडियो को फ्रेंड्स शेयर भी कर देना, और रोम इंस्टॉल करो, डिस्क्रिप्शन में रोम का लिंक मिल जाएगा और TWRP का भी मिल जाएगा, ADB इंस्टॉल का मैंने पिछले वर्जन में दे दिया था, तो फ्रेंड्स आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करो और लाइक करो। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।